हेलो, अमर मातो ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको अपना खेत के बारे में कुछ डिटेल बताने वाला हूँ। ये जो खेत यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये खेत मेरा ही खेत है। इसमें अभी हम धान लगाए हैं, तो आज आपको धान दिखाते हैं कि धान में कितना धान हुआ। इसको दिखाने के लिए सबसे पहले हमको सामने जाना पड़ेगा। इसके पहले सामने गए ही रहा धान, शीश बोलते हैं इसको, शीश। और एक मुट्ठी इसको बोलते हैं, धान का खेत। धान का ये आफर, और इसको बोलते हैं शीश। इसमें अभी पूरी तरह नहीं फूटा हुआ है। इसमें इसके अंदर हम लोग फूटा के देखेंगे कि इसमें से धान, इसमें से चावल बना है कि नहीं। देखते हैं, इसको फूटा के देखते हैं। अभी चावल अभी ठीक सर से बना नहीं है, दूध भरा हुआ है। इसमें भी देखते हैं, इसको भी देखते हैं ना, इसमें दूध भरा हुआ है। देखो, दूध भरा हुआ है इसको अंदर। और ये दूध जब 15-20 दिन भरेगा, जब तक इसमें पानी जाते रहे। यहाँ पानी, खेत में कम से कम पानी होना चाहिए, तब जाकर इसमें दूध भरेगा। और ये इसके सामने एक डोभा है, इसमें बहुत सारा मछली भी मिलता है हम लोग को। जब डोभा सूख जाता है, तब इसको बहुत सारा मछली मिलता है। अभी डोभा को इसमें मागुर मछली, पोठी मछली, बहुत सारा मछली इसको मिलेगा। ये डोभा जब तक सूखेगा, तब तक बहुत सारा मछली मिलेगा। और हम लोग जाल लेके या कुछ भी हम लोग लाके, हम लोग इसको डोभा से मछली हम लोग पकड़ के खाते हैं। बहुत मज़ा लगता है गोड़े मछली भूज के। और ये वाला खेत में दूसरा ऑफर दिए थे, तो इसलिए इसमें ये वाला अभी बन गया है, धान बन गया है। देखो, यहाँ पर हम लोग यहाँ से ट्रैक्टर घुसाते हैं, उधर से ट्रैक्टर घुसाते हैं, और इधर से हम लोग रास्ता है। झुड़ पात होकर हम लोग धान में अभी जाते हैं। बहुत सारा धान अभी पकने में बहुत देरी है। अभी चल रहा है नवंबर, दिसंबर में हम लोग काट देते हैं धान को। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। ब्लॉग में बने रहिए।